यहाँ पर है वसुधारा, जो कि यहाँ पर अष्ट वसु ऋषि ने तपस्या करी थी तभी इस जगह का नाम पड़ा है वसुधारा। और इस धारे का मान्यता ये है कि जिस साइड ये हवा चलती है ना उसी साइड ये धारा भी चलता है, मतलब उसी साइड ये मुंह मोड़ लेती है। और साथ ही जो बोलते हैं कि पापी लोग होते जिन्होंने पाप करा उसके ऊपर ये पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता, कह रहे हैं। तो देखते हैं अभी हम पापी कितने हैं, पता चल जाएगा आज। तो अभी दोस्तों मैं आपको स्वर्ग का रास्ता प्लस जो इन पहाड़ियों में भी साधु संत रहते हैं ना वो बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता क्या दिखाने वाला हूँ। ऐसा कुछ हालात होके रखा है, देख पा रहे हो पूरा बर्फ, हर तरफ बर्फ है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर। फाइनली स्वागतम माना गाँव। तो ठीक है अभी अंदर चलते और बड़े से दिखाते। तो गाइस ऐसा कुछ हालात हो चुका है, अपना बाइक का देख पा रहे हो। तो गाइस टेंट का अंदर पानी देख रहे हो ना, पूरा पानी पानी हो चुका है, खतरनाक ठंडा है यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। अभी मॉर्निंग का 8 बज चुका है, मॉर्निंग को तो करीब सुबह उठ गया था लेकिन कंबल से बाहर निकलने का वो साहस नहीं हुआ 1% भी। और अभी जैसे तैसे करके उठ जाता हूँ क्योंकि मुँह धो के फ्रेश होने पड़ेगा। और भाई यहाँ में करीब चार दिन हो गया, आज जैसे भी हो यहाँ से निकलने पड़ेगा, शायद अंधेरा हो रहा होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, खुल गया। तो आज जैसे भी हो निकलने पड़ेगा, अपने बाप जैसे बाहर निकला, इतना खतरनाक वाला ठंड हवा, ओ माय गॉड भाई सच में। और यहाँ मैं नहीं रहूँगा, आज जैसे भी हो यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर हो सके तो माना विलेज चला जाऊंगा, नहीं तो अगर ऐसे बारिश देते रहोगे तो नीचे जाने पड़ेगा, वो पानी ये कैंसिल करना पड़ेगा। और ये रहा संतरम भाई, गुड मॉर्निंग भाई। भाई भी बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि घर से 4 महीना हो गया भाई सब निकले हुए, तो सोचिए मतलब लगातार 4 महीना ऐसा घर से। मुझे तो मतलब 1 महीना हुआ फिर भी मुझे कितना हुआ लग रहा है भाई, 4 महीना सच में बहुत ज्यादा होता है। और अंकुश भाई गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। बहुत 3 दिन से हम भैया के साथ है, टिकलू भाई के साथ, और बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। और इधर है हमारे एक भैया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो भैया का ही कोट पहना है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा है। और सच में ये रहा भाई का, वो देख लो नौमेद चंद्रम, सही में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई जी। थैंक यू सो मच भैया आपको। और गाइस अभी मौसम देखिए कैसे चेंज हो चुका है, एक ही रात में वहाँ देखिए पूरा स्नो हो चुका है पहाड़ के ऊपर, और इस तरफ में देखिए पूरा स्नो, और यहाँ भी पूरा पहाड़ का ऊपर स्नो गिरा हुआ है। मतलब पहले जिस दिन आया था उस दिन तो पूरा खाली था, आप लोगों को दिखाया स्नो नहीं था, और लेकिन अभी देखिए पूरा स्नो गिरा हुआ है। और उस ऊपर भी देखिए उस तरफ में पूरा स्नो, वहाँ पर भी पूरा स्नो होकर रखा है पहाड़, उसमें खतरनाक। और बारिश के कारण ऐसा कुछ हालत होकर रखा है, बहुत ही खतरनाक। तो गाइस रात को जो ये पावर बैंक दिया था उसमें ये वाला में भी 2 ही डंडा हुआ है चार्जिंग, और आज मतलब बनाने के लिए स्टोव ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गया, उसके वजह से ये चाय खरीद के लेके आया। और साथ में बन गुड मॉर्निंग। बोले कि स्नोफॉल की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, वो तो सही में पूरा पहाड़ भरा हुआ है। तो गाइस अभी सुबह का 11 बज चुका है, और भगवान भी चाहते हैं मैं माना विलेज जाऊँ, उसके वजह से शायद पूरा मौसम थोड़ा सा खुल चुका है अभी, लेकिन दूर दूर में पूरा वो है, उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी सामने का क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे माना विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज। काल तो जा नहीं पाए, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था आप लोगों को पता ही है, और इतना ज़्यादा ठंड है ना, ये देखिए ना कैसा हालत हो गया, पूरा डिकैथलॉन का ये आपका ऊपर वाला लाता कवर, रेन कवर और पैकिंग हो चुका है, और बैग तो लेके नहीं जाएगा, बैग जो है अंदर में बाबा जी लोग है ना उनके रूम में रख के चले जाएंगे। तो गाइस पहले तो सोचा था कि बैग को ऊपर बाबा जी लोग का रूम में रख के चले जाए, लेकिन अभी सोचा कि मतलब बाइक में बांध के लेके जाए तो फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर बांधेगा, बात एक ही हो जाएगा, उसके वजह से अभी बांध के डायरेक्ट निकलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं माना विलेज, तो उससे पहले पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला, इसलिए दिखा रहा हूँ आप सभी को। वहां से बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल आ रहा है पूरा पहाड़ का बीच में से, और ये रहा आपका अलकनंदा रिवर। इस बार शायद मैंने वो प्रोनाउंस अच्छा करके अच्छे से लिया, और बाकी उस तरफ तो पूरा बादल छाया हुआ है,
अभी मौसम तो थोड़ा बहुत खुल चुका है, अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, आज का दिन का शुरुआत करते हैं लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव के लिए। और मैं सच में बहुत ही ज़रा एक्साइटेड हूँ इंडिया का लास्ट एंड फर्स्ट विलेज में जाने के लिए, माना विलेज। तो चलो देरी नहीं करते, चलते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम आकाश। आकाश, आप यहीं से हो? अच्छा, अच्छा लगा मिलके। ओके, और क्लिक कर दिया, वीडियो भी बना दिया। थोड़ा थोड़ा बारिश गिरना शुरू हो गया, चलो निकलते भाई जल्दी। तो गाइस बाइक हमें रख दिया, लेकिन हमें जल्दी से ट्रिपल खरीदने पड़ेगा, बारिश तो दे रहा है सामान, लेकिन उपाय नहीं है, रख के जाने पड़ेगा। और अभी जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से जाके एक्सप्लोर करके नीचे उतर के आता हूँ। यहाँ पे कहीं पे ट्रिपल मिलने से लेने पड़ेगा, खरीदने पड़ेगा हमें। तो गाइस फाइनली स्वागतम माना गाँव। तो ठीक है, अभी अंदर चलते और बारिश दिखाते। तो गाइस बारिश आ चुकी है, उसकी वजह से अभी जो मेरा रेनकोट था वो थोड़ा सा फट चुका है, तो उसकी वजह से ये बैग ढक गया, बैग का ऊपर रख दिया था, बैग का ऊपर रख दिया। तो गाइस ऐसा कुछ गली है, गली के बीच में से रास्ता है छोटा सा जा रहा हुआ, अभी बहुत ही खूबसूरत नज़र है। वाह, अच्छा नीचे वाला रास्ता है। और सच में गैस यहाँ में कितना खूबसूरत मतलब पेंटिंग किया हुआ है हर जगह। तो सच में गैस इतना ज़रा खूबसूरत है ना, क्या तारीफ करूँ। और थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आज मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। कितना मस्त है, देखिए ना, वाव। पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। और नीचे देखिए, वहाँ कहाँ से पानी निकल रहा है, ओह सच में। तो गाइस अभी मुझे एक बात मालूम चला, ये जो नदी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये नदी का नाम है सरस्वती नदी, और ये मतलब यहाँ तक यहाँ पर ये उत्पत्ति होता है और यही मतलब समाप्त हो जाता है। देख पा रहे हो कितना मतलब अजब, क्या बोले, ऑर्डिनरी, यूनिक, मतलब ऐसा कुछ है। सच में गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है मन को ये सरस्वती रिवर को देख के, यहाँ पर ही उत्पत्ति होता है और यहाँ तक ये समाप्त होता है सच में। गाइस अभी मैं हिंदुस्तान का प्रथम दुकान, फर्स्ट दुकान दिखाने वाला हूँ आप सभी को, चलिए। और ये रहा सामने, दुनिया हिंदुस्तान का पहला दुकान, प्रथम ग्राम, ऐसा कुछ है। और नीचे दिखे ना, वाओ क्या मस्त नज़ारा है। तो अभी दोस्तों मैं आपको स्वर्ग का रास्ता प्लस जो इन पहाड़ियों में भी साधु संत रहते हैं ना, वो बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता क्या दिखाने वाला हूँ, आपको बताया ना, ये पांडव जी स्वर्ग की यात्रा में जा रहे थे ना, ये रिवर क्रॉस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके साथ शायद द्रौपदी जी भी थे, जिनकी समाधि यहीं से आधा किलोमीटर ऊपर ही है, मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और ये वाला रास्ता ना क्रॉस करना मुश्किल था, इसलिए भीम जी ने ना ये पत्थर देखो यहाँ पे पूरा फिट करके रखा हुआ है, ये भीम जी ने अपने हाथों से रखा हुआ है, एंड इसके ऊपर आपको निशान भी दिख रहे होंगे उंगलियों के, दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, हाँ हाँ। एंड शायद आपको ये बात झूठ लगे, बट गौर से देखोगे ना, देखो जैसे कैसे फिट करके रखा हुआ है। और इसे भीमशिला बोलते हैं ना। हाँ ओके, सच में गाइस मेरा जीवन धन्य हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। रहा हिंदुस्तान का अंतिम दुकान, ओह क्या नज़र है, ओह माय गॉड। तो गाइस इतना विशाल ये पत्थर कैमरे में भी नहीं आ रहा, देखिए ना, बाप रे बाप। और अंकुश भाई बोल रहे थे कि मतलब जो सन्यासी है वो मतलब वो वहाँ पे गुफा है, गुफा के अंदर मतलब तपस्या करते रहते हैं, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन बहुत अंदर तक बहुत बड़ा बड़ा गुफा है मतलब, लेकिन अभी नहीं जाएंगे उसका अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा ना उसके वजह से,
तो अभी चलते हैं। तो यही रास्ते से पांडव बने गए थे स्वर्ग की ओर। ओह वाह, स्वर्ग का रास्ता। तो गाइस, लाइफ में मैं कभी भी इतना खूबसूरत मतलब जगह नहीं देखा, और ये खूबसूरत तो जगह होगा ही क्योंकि यहीं से स्वर्ग जाने वाला रास्ता है। और सच में मैं आप सभी को एक बार यहाँ में विजिट करने के लिए वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। आप लोग ज़रूर एक बार लाइफ में हो सके तो यहाँ आइए, बहुत ही क्या बोले स्वर्ग जाने वाला रास्ता। ओह माय गॉड। तो गाइस, नीचे से करीब चलते चलते 4 किलोमीटर वहाँ पहुँचा, और ऐसा कुछ देखिए अभी पूरा स्नोफॉल हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है, और नज़ारा देखिए क्या खूबसूरत, आगे बढ़ रहे हैं स्वर्ग की ओर। तो गाइस अभी चल ही रहे, ओह क्या मस्त स्नोफॉल हो रहा है, और ज़्यादा दूर नहीं, करीब यहाँ से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन पहुँचते हैं। चलिए, ओह क्या खूबसूरत नज़ारा सच में, चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऐसा जगह में यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब आगे पुलिस क्या बोलते हैं उसको, आर्मी वाले हैं वो लोग, मतलब आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो वहाँ तक चलते हैं, वहाँ तक चल के फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। और बहुत ही मतलब वो हो रहा है, स्नोफॉल देख पा रहे हो ना, छूट हो रहा है भाई। हाँ, आप लोग कहाँ से हो भैया? हम यूपी से। यूपी से हो, बढ़िया, गुड। आप कहाँ से हो? मैं नॉर्थ ईस्ट असम। हाँ, आप लोगों का फर्स्ट टाइम? मेरा भी फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है आके? वो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, लग रहा है थोड़ा। वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ दर्शन करो। जाने दे रहा है आगे? नहीं दे रहे होंगे, तो देखने नहीं दे रहे होंगे ना, वो तो जम रखी है। अच्छा, वहाँ मंदिर भी है क्या? कुछ नहीं है, जम रखी है खाली, बाकी आर्मी वाले हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग चल रही है उनकी बर्फ पे। अच्छा जी, बाकी जमी हुई आप वसुधारा का दर्शन करके आ सकते हो। पानी भरना है, पानी भर लेना, नीचे से मिल जाएगा पानी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो गाइस फाइनली जो है हमें बर्फ मिल चुका है, अभी बर्फ का स्नोफॉल तो हो ही रहा है, अभी बर्फ का ऊपर से चलने पड़ रहा है। रास्ता में इतना स्मूथ आइस में दिख रहा हूँ पूरा, अभी अभी मतलब गिर के जमा है। बीमार होता है थोड़ा सा, टेस्ट किया, ज़्यादा पीने से खाने से बीमार हो जाएगा ना, अभी चलता हो। तो गाइस अभी रास्ता पूरा मालूम ही नहीं है, ऐसे बर्फ का ऊपर से जो ऐसे दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, वही उसी रास्ते से चल के जा रहा हूँ, और पूरा मस्त लग रहा है बर्फ़, पूरा ताज़ा ताज़ा, इतना स्मूथ बर्फ ना लग रहा है कि पाउडर का ऊपर मैं चल रहा हूँ। वो सच में ऊपर देखिए ना, ओ। तो गाइस अभी चलते चलते करीब 5-7 किलोमीटर होगा नीचे से चलते चलते, अभी यहाँ तक पहुँच चुका है लास्ट एंडिंग, और ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ से एक वाटरफॉल मतलब गिरता है क्या बोलते हैं इसको, वसुधारा वाटरफॉल, लेकिन वहाँ देखिए पूरा स्नो मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है, और पूरा ऊपर से गिरते रहे, अभी मतलब दिखाई दिया था लेकिन अभी बादल के कारण पूरा ढक चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। और सच में अभी देखता कुछ टाइम, अगर रुक के अगर दिखाई दिया तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, और यही है स्वर्ग का रास्ता। तो गाइस फाइनली मैं वहाँ से आ गए, ये जो वाटरफॉल है वसुधारा वहाँ तक पहुँचने हैं, लेकिन वहाँ तक बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, अभी इसका बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, ये भाई कुछ बताएंगे, भाई कुछ थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, मैं देवभूमि ब्लॉगर उत्तराखंड पैदल यात्रा कर रहा हूँ, आज 18 दिन हो गया मुझे पैदल चलते चलते, और अभी हम लोग माणा से 5 किलोमीटर की दूरी में आए हैं, और यहाँ पर है वसुधारा, जो कि यहाँ पर अष्ट वसु ऋषि ने तपस्या करी थी तभी इस जगह का नाम पड़ा है वसुधारा। और इस धारे का मान्यता ये है कि जिस साइड ये हवा चलती है ना उसी साइड ये धारा भी चलता है, मतलब उसी साइड ये मुंह मोड़ लेती है, और साथ ही जो बोलते हैं कि पापी लोग होते हैं जिन्होंने पाप करा उसके ऊपर ये पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता, कह रहे हैं। तो देखते हैं अभी हम पाप कितने हैं, पता चल जाएगा आज। ओके, चलो फिर। देखो भाई, दो ऑप्शन है अपने आप को साबित करने के लिए, जा तो मौत के कुएं में जाओ क्या पापी नहीं हो, फिर वेट करो यहाँ पे, वो बर्फ भी गिरे तो ठीक है, चलता हो यही शांत है ऊपर जाके देखता हूँ। हाँ, चल रहा हूँ।
तो गाइस अभी नीचे बीच में जो है पानी तो ऊपर से गिर रहा है, बीच में इतना गहरा खाई है ना, अगर कोई बाई चांस गिर गया ना वो तो भाई बचने का चांस 0% है। और अभी भाई कहाँ गया हो जाएगा, वो सच्चा बंदा था है ना भाई, यहाँ मत आना, माँ कसम बड़ा रिस्की है। और भाई लोग देखो ऊपर चला गया, ट्राई किया था जाने के लिए वहाँ तक लेकिन ना हो पाए भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देख रहे अभी भी पानी गिर चुका है। वो सच में गाइस इतना रिस्क की प्लेस है ना ये, तो नीचे तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन सच में पानी गिर चुका है ऊपर में जस्ट में। ओह यस पानी गिर गया। मैं एक बात बोल देता हूँ, यहाँ अगर आते हो ना नीचे बहुत ही खतरनाक अलग खाई है भाई साहब, ये देखिए पूरा पानी गिर रहा है अपना। ओह माय गॉड गिर गया, सच में पानी गिर चुका है, पानी गिर रहा है, देखिए ये पूरा पानी आ रहा है पत्थर से, वो मेरा ऊपर गिर रहा है। यस ये पत्थर भी साहब, तो ठीक है अभी चलता हूँ, हालत बहुत ही ज़रा ख़राब हो चुका है, देखिए कहाँ पूरा पाँव अंदर घुसा है बर्फ़ का, और हालत देखिए हाथ तो पूरा काम नहीं कर रहा है, वह सभी चलता हो। ये सही में गए, पानी गिर गया ऊपर, हाँ गिरा गिरा रहा पत्थर से आके गिर चुका है। तो ठीक है, तो गाइस ठीक है अभी चलता हूँ, बढ़िया बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उतना ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे। और ये रहा वसुधारा वाटरफॉल, वहाँ पे भी गया था, ओ सही में सुकून मिल गया, लेकिन बहुत ही ज़रा ठंड है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, चारों तरफ देख पा रहे पूरा बर्फ़ ही बर्फ, मुँह से अच्छा से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और अभी संभल के जाने पड़ेगा, ओ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ ठीक है। और मोबाइल में ज़रा चार्ज भी नहीं है, मैं अभी नीचे चलता हूँ फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। सच में हमारे असम नॉर्थ ईस्ट से मतलब यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं, तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार आए घूमने के लिए। और शायद मुझे पता नहीं अगर कोई यहाँ पहले भी आया होगा असम से गुवाहाटी से कोई यूट्यूबर, अगर कोई आया है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर नहीं आया हो तो शायद मैं पहला बंदा होगा जो यहाँ तक आया हो असम गुवाहाटी से। और मैं सभी को मतलब वो करना चाहता हूँ कि एक बार लाइफ में ज़रूर आए यहाँ पे, बहुत ही मतलब वर्थ प्लेस, बहुत ही मतलब नो वर्ड्स सच में गाइस, ज़रूर आए जरूर भी। मैं स्पेशली असम वालों को बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में एक बार ज़रूर यहाँ आए, स्वर्ग जाने वाला रास्ता। और बर्फ़ देखिए ना कितना कैसे हो चुका है हालात, पूरा खतरनाक हालात हो चुका है। अभी जल्दी से नीचे उतरता हूँ, क्या कुछ गिर गया क्या, नहीं यहाँ से ये बर्फ़ गिर गया था, मैं सोचा हाथ मुझे गिर गया हैंड ग्लव्स, तो ठीक है अभी चलता हूँ जल्दी से नीचे। तो गाइस ऐसा कुछ हालत हो चुका है अपना बाइक का देख पा रहे हो, और चारों ओर देखिए खतरनाक सा पूरा स्नोफॉल हो रहा है, मस्त पीछे इस तरफ से दिखाता हूँ बढ़िया से लगेगा। ओह सही में क्या नज़ारा है, ओ माय गॉड अल्टीमेट गाइस अल्टीमेट, वाओ यस हम मोबाइल ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है, और क्या बोल रहा हूँ ज़रा ज़ोर से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो इतना खूबसूरत नज़ारा सच में। तो ठीक है अभी जल्दी से चलता हूँ यहाँ से। बस अभी शाम का 7 बजने वाले, और ये रहा हाँ हम लोग का बाइक, और ऐसा कुछ मौसम होके रखा है देख पा रहे हो खतरनाक से, वाह। और सच में गाइस आज मैं बाल मरने से बच चुका हूँ, इतना ख़राब से मतलब तड़प रहा था मैं ठंड से, हाथ पाँव कुछ भी काम नहीं कर रहा था, इतना ख़राब सिचुएशन में पड़ गया था। मतलब जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था मैंने बाइक दिखा के मतलब चलाना शुरू किया, उसका बाद करीब 200 मीटर चलाया पूरा मतलब हाथ पाँव छून हो गया, ऐसा ख़राब से फंस गया था, करीब
मतलब रोज ये था, और मतलब वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाल के वीडियो बनाओ वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए बाकी उपाय नहीं है। फिर अंकुश भाई बाइक लेके यहाँ तक आया, होटल लेने बोला और ये होटल ले चुका हूँ। और मैं 200 मीटर करीब पैदल ही चला क्योंकि मुझे बाइक पे बैठना भी नहीं, मतलब वो टफ लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। और अंधेरा हो रहा होगा, शाम हो गया ना। सच में लाइफ में मैं नेक्स्ट टाइम और ऐसा क्या बोले, कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा हूँ। चारों तरफ आप लोग देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ। ओह वाह, तो ठीक है अभी रूम का अंदर जाता हूँ। और रूम में आके रूम में एक अच्छा क्या हुआ, हीटर मिल चुका है, और इसलिए बाप रे बाप जान में जान आया। अभी अंदर का सिचुएशन दिखाता हूँ। रात में और बैग में जो सामान था सब कुछ सामान फेंक चुका है, एक भी सामान नहीं बचा। मतलब ये देख पा रहे हो ना, सब कुछ भीग गया सामान, एक सामान भी मतलब नहीं बचा है। अनके लैपटॉप भी भीग चुका है पूरा, मेरा मोबाइल भी भीग चुका है, और शुक्र मतलब बच गया ये हीटर के वजह से। ओ माय गॉड, सच में गाइस बहुत ही पूरा दिन इतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, टफ ऐसा हालत मुझे कभी नहीं हुआ था ठंड में। आज मतलब चल गया, जितना भी गर्म हो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन ठंड में नहीं होता है बाप रे बाप। तो ठीक है, तो भाई जी हीटर ऑन कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो गाइस मस्त खाना पीना हो चुका है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।